Good morning, dear friends. Once again, welcome for the lecture of basic physics in the subject of physics. Last lecture, we have seen about the difference between path length and distance and displacement. So distance and displacement. Okay, and you all have solved the problems also. So many students have done it correctly. There is no problem. And actually, wait for a while. Let me start my counter because we must know na how much time is there. Okay. Distance and displacement, we have solved some problems. So उसमें थोड़ा सा overview लेते हैं. सपोज ए टू बी चला गया, मैंने आपको डिस्टेंस नहीं दिया था, आई थिंक किसी एक प्रॉब्लम में, तो ठीक है. तो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो आपको भी पता चला कि बी सी और डी ये 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, तो यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया. तो ऑफकोर्स डिस्प्लेसमेंट किसको कहेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट करने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या बोलेंगे उसको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन. करेक्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन. ओके, और डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? डिस्टेंस को हम बेटा बोल सकते हैं, यहां पे लिख देते हैं, लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड. तो पाथ लेंथ को बोल सकते हैं लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड, एंड डिस्प्लेसमेंट को बोल सकते हैं हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन. इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, एंड हियर इट इज लेंथ ऑफ द पाथ, पाथ कवर्ड. तो हो सकता है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना आएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपका आएगा बिटवीन ए एंड डी, ए टू डी. तो 2 + 2 + 2, 2 + 2 + 2, 6 meter. एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन, और डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? डिस्प्लेसमेंट ये आएगा यहां से यहां, तो कितना आएगा? 2 meter फ्रॉम ए टू बी, 2 meter फ्रॉम ए टू बी. तो अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? डिस्टेंस ट्रेवल, ये है स्केलर क्वांटिटी, है ना, ये बनता है अपना स्केलर क्वांटिटी, वेयर एज डिस्प्लेसमेंट बनता है वेक्टर क्वांटिटी. तो कैसे दिखाते हैं? तो डिस्प्लेसमेंट को दिखाने के लिए हम उसको दिखा सकते हैं वेक्टर एडी, तो एडी के ऊपर ऐसा एरो लगाने का. इसको कैसे बोल सकते हैं? वेक्टर एडी, वेक्टर एडी. तो समझ गए आप? तो ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ बराबर. ओके, तो कल भी हमने सीखा था स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी है, वेक्टर कौन सी है. अभी इसमें आपने सीखा है कि आपका भी होमवर्क दिया था, उसमें भी आपने सर्कल के कुछ दिए थे, एक ट्रायंगुलर दिया था, ऐसे आपको आ सकता है. आपको दूसरी चीज़ है वो क्या है? यहाँ पे आपको यू हैव टू, ऑफकोर्स आई विल सजेस्ट यू टू गो बैक, पॉज इट एंड नोट डाउन. ओके, सेकेंड थिंग, यू हैव टू थिंक अबाउट द डिरेक्शंस ऑल्सो. तो आपको सबको मालूम है बराबर, एक्चुअली डिरेक्शन कैसे आएंगे? अगर मैं ऐसा खड़ा हूँ, ऐसा, तो यहाँ पे आएगा मेरे सामने, मैं समझूंगा, सपोज मैंने नॉर्थ की तरफ मैं हूँ, तो ये नॉर्थ आएगा, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट. वो अभी बोर्ड पे दिखा रहे हैं, नहीं तो अभी कागज पे लाना है. तो कैसे करते हैं? डिरेक्शंस, तो ये भी इम्पोर्टेंट है. तो डिरेक्शन में क्या है? ऐसे आपका आएगा,
तो ऊपर आएगा, ऊपर मतलब एक्चुअली सामने, नॉर्थ की तरफ फेस किया तो सामने नॉर्थ आएगा, पीछे साउथ आएगा, लेफ्ट को वेस्ट आएगा, राइट को ईस्ट आएगा, अगर मैं नॉर्थ की तरफ डायरेक्ट करता हूं। इसको बोलता हूं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो ग्राफ में आपको ऐसा दिया रहता है ना, ग्राफ में आपको ऐसा कुछ तो देते हैं, है ना, यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट ऐसे देते हैं ना आपको, इसका ये है। तो अभी क्या होता है आपको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर प्रॉब्लम वगैरह कुछ नहीं, आपको ध्यान में रखना है, ओके, बाद में ये सब चीजें आपको आने ही वाली है। सो वी आई एम पी फाइव स्टार करता हूँ इसको मैं, 1 2 3 4, ओके। अभी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कितना एंगल है, 90 का, ईस्ट और साउथ में 90 का, साउथ और वेस्ट में 90 का, वेस्ट और नॉर्थ में फिर से 90 का। अगर इसको मैंने इक्वली डिवाइड किया ऐसे और यहां से ऐसे, बराबर, तो ये मेरे डायरेक्शंस बन जाते हैं, ओके। तो ये बन जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये बन जाएगा साउथ ईस्ट, ये बन जाएगा साउथ वेस्ट, और ये बन जाएगा नॉर्थ वेस्ट। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान्य, मराठीत आपण बोलतो ना तसंच, याला म्हणायचं नॉर्थ। तो एन फॉर नॉर्थ, एस फॉर साउथ, ओके, डब्ल्यू फॉर वेस्ट, ई फॉर ईस्ट, ओके, एनी, एनी किसको बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट, एस ई साउथ ईस्ट, ओके, एस डब्ल्यू साउथ वेस्ट, एंड एन एन डब्ल्यू नॉर्थ वेस्ट। तो भी आपको कौन सा भी डायरेक्शन दिया है तो उस डायरेक्शन का पता कैसे करने का, तो पहले इसका ये एंगल है, ये 90 बनेगा पूरा, इसमें से ये बनेगा 45 डिग्री, ये भी बनेगा 45 डिग्री, सेम फॉर ऑल। तो अगर मैंने एक ऐसा ऑब्जेक्ट लिया और उसका पोजीशन मैंने आपको बोला, यहां पे वो ऑब्जेक्ट है, पॉइंट है मेरा ए, इसको बोलता हूं ए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये ऑब्जेक्ट है, द ऑब्जेक्ट हैज, पॉइंट ए हैज एंगल 30 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ, ओके, ए है कितने में, 30 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ। तो इसको कैसे लिखते हैं ये भी समझ लेंगे। तो यहां पे ए को लिखेंगे, ए को कैसे लिख सकते हैं, पोजीशन ऑफ ए, तो पोजीशन ऑफ ए कैसे लिखी जाती है, पोजीशन ऑफ ए अगर लिखना है तो देर आर मेनी वेज ऑफ राइटिंग द पोजीशन। अगर ए 30 डिग्री यहां से है तो ऑफकोर्स ये एंगल कितना होगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री, बराबर हो जाएगा ना, 60 डिग्री हो जाएगा। तो ए को बोल सकता हूं, आई कैन से ए इज ईस्ट को है ना, कितना डिग्री 30, तो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के ईस्ट को, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में अगर मैंने नॉर्थ के तरफ मैंने देख लिया तो नॉर्थ के 30 डिग्री राइट को जाइए, राइट मतलब क्या हो गया ईस्ट, तो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ,
ओके ओके। दूसरा लिख सकता हूं मैं और, कभी कभी ऐसा ही लिख सकता हूं, क्या उल्टा भी बोल सकते हैं, क्या 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट हो गया, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, करेक्ट। तो ये दो बोल सकते हैं बराबर, नहीं तो ड्यू 30 डिग्री ड्यू ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ओके। तो ड्यू 30 डिग्री, इधर ड्यू भी लिख सकते हैं, 30 डिग्री ड्यू ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 60 डिग्री ड्यू नॉर्थ ऑफ ईस्ट, बराबर। तो आपका आज का होमवर्क रहेगा, होमवर्क क्या रहेगा आपका, तो होमवर्क वन रहेगा, होमवर्क वन विल बी एक्सप्लेन पोजिशंस ऑफ, यहां पे लिख देते हैं, यहां पे मैं लिखता हूं पी क्यू आर एस, हाँ यहां पे लिख देता हूं पी क्यू आर एस, ये पहला वाला होमवर्क वन। आपको क्या करना है, पी क्यू आर एस का पोजिशन लिखना है, मैं दिखाता हूं आपको। पी विल बी, ये 45 है, तो 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नहीं तो 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, दोनों का भी सेम रहेगा, समझ गए, ओके। तो दिस इज द होमवर्क वन, आपको लिखना है। और बाद में आप क्या करो, बाद में आप अपना होमवर्क ले लो, होमवर्क टू पोजिशंस ऑफ एनी 10 रैंडम डिरेक्शंस, मतलब एनी कौन सा भी ले लो, नहीं तो मैं क्या करता हूं पोजिशंस ऑफ यहां पे लिख देता हूं मैं। आप क्या क्या करो, पोजिशन ऑफ यहां पे ये करोगे, ये इसको बनाता हूं मैं, इसको बी बनाता हूं, इसको लिख देता हूं 40 डिग्री, यहां पे लिख देता हूं सी 70 डिग्री, यहां पे लिख देता हूं डी 30 डिग्री, तो बी सी एंड डी, तो यहां से पी क्यू आर एस इस ग्राफ से बनाने का है और बी सी डी यहां से बनाने का है, तो आपका काम बन जाएगा। सो आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन, हो गया बेटा। तो इन इसी डिरेक्शन की स्टडी में हमने तो सब सीख लिया, अभी कैसे करते क्या करते, इसको अगर चाहिए तो 2-3 बार देखो फिर से रिवाइंड करके, ओके, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिक्स कंसिडर किया, एक्चुअली क्या होता है फिजिक्स में, आपका जो ज्योग्राफी में सीखते हैं ना वो भी आपको याद होना पड़ता है, क्योंकि ज्योग्राफी पूरा अपनी फिजिक्स से रिलेटेड है, ज्योग्राफी का पूरा फिजिक्स, ज्योग्राफी में फिजिक्स आता है, कभी कभी मैथ्स भी आता है, पॉपुलेशन डेंसिटी वगैरह निकालते हैं, है ना, डिरेक्शन निकाला तो अभी फिर से फिजिक्स आएगा, है ना, अर्थ का कुछ लिया, सैटेलाइट का कुछ लिया, वो उसमें अपना ग्रेविटेशन वगैरह वो आता है, बारिश का निकाला, हाँ वो बारिश, समर विंटर रेनी सीजन, वो सीजन्स निकाले, तो उसमें भी रोटेशन ऑफ अर्थ, लैटिट्यूड होता है, लॉन्जिट्यूड होता है, मेनी थिंग्स आर देयर। सो ज्योग्राफी इट्सेल्फ इट्स अ साइंस एक्चुअली, ओके। सो फिजिक्स विल मोस्टली कम इन दैट, ओके। सो वी हैव स्टडीड पाथ लेंथ डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही स्पीड और वेलोसिटी भी आता है, लेकिन वो अभी दैट इज नॉट अ मैटर ऑफ डिस्कशन नाउ, बिकॉज इन योर टॉपिक मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन यू विल बी स्टडिंग दैट, ओके। ओनली यू हैव टू कीप इन माइंड अबाउट एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो वहाँ पे मीन निकालते हैं ना जो, तो अगर किसी भी दो का अगर हम मीन निकाल रहे हैं तो मीन के भी टाइप होते हैं, अरिथमेटिक मीन, और अरिथमेटिक मीन तो आपको मालूम है, हाँ,
और दो तीन टाइप होते हैं, वो भी आपको याद रखने के, मैं क्या करूँगा उसके ऊपर भी वो नोट डाउन करके आपको भेज दूंगा, ओके, क्योंकि वो सिखाने का कुछ नहीं है, खाली फॉर्मूला है, ओके। सो हम आगे जाते हैं, अभी आगे में अभी जाएंगे हम पहली फिजिकल क्वांटिटी जो है अपना फोर्स। तो आज हम थोड़ा सा चालू करेंगे फोर्स। तो बेटा आपने पहले से स्टडी किया होगा फोर्स का, इन योर नाइन्थ क्लास आई थिंक यू हैव स्टडीड द फोर्स। तो फोर्स में क्या आता है? फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब क्या? इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डिरेक्शन। तो फोर्स को दोनों भी है, मैग्नीट्यूड एंड डिरेक्शन, ओके। फॉर्मूला क्या फोर्स का लिखते हैं हम? एफ इज इक्वल टू एम ए। ये कहां से आता है? ये आता है आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये आपको मालूम है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसमें से आता है। नहीं मालूम है तो एफ इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ओके। तो अभी क्या है? ऐसा यूनिट आपको मालूम है, अभी हमने किया है, ऐसा यूनिट आता है उसका न्यूटन, और सीजीएस यूनिट डाइन आता है, ये सब सीखा है हमने, मैंने भी आपको सीखा है, ओके। तो न्यूटन को कैसे लिखते हैं हम? यहाँ पे मास, तो मास बन गया किलोग्राम, और एक्सेलेरेशन बन गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। तो ये बन गया आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डाइन क्या बन गया? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या आएगा बेटा? डायमेंशन ऑफ फोर्स वो भी हमने सीखा है, डायमेंशन ऑफ फोर्स एम वन एल वन टी माइनस टू, ये आएगा डायमेंशन ऑफ फोर्स। न्यूटन और डाइन के बीच में कन्वर्जन फैक्टर कितना आएगा? वन न्यूटन इज इक्वल टू टेन रेस टू फाइव डाइन, एंड वन डाइन इज इक्वल टू टेन रेस टू माइनस फाइव न्यूटन, ये हो गया कन्वर्जन फैक्टर। तो अभी फोर्स इफ यू आर स्टडिंग, एंड वॉट आर द टाइप्स ऑफ फोर्स? टाइप्स ऑफ फोर्स में क्या क्या आता है? बहुत सारे फोर्स आते हैं जो आप 11th क्लास में देख लोगे, ओके। मेनली इंपॉर्टेंट टाइप्स दो होते हैं, इंपॉर्टेंट टाइप्स। तो फोर्स लिया तो मैं कैटेगराइज कर सकता हूं फोर्स को, कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसमें दो बॉडी के बीच में कॉन्टैक्ट रहता है, देयर इज अ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज, और दूसरे को बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसमें दो बॉडी के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं रहता है लेकिन फिर भी दो बॉडी के बीच में फोर्स तो रहता है, ओके। दूसरा एक होता है स्ट्रॉन्ग वीक, सम फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग whereas some forces are weak. तो अभी वो डिस्कस करने की बात नहीं है, वंस यू विल गो फॉर स्टडी स्टडिंग मेनी डिफरेंट थिंग्स अबाउट द फोर्स, इन ईच टॉपिक यू विल बी स्टेटेड whether that force is weak or strong. So that is not a big task. तो कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन कौन से आ सकते हैं? तो पहला देखो, यहाँ पे पहला आएगा आपका मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स मतलब इसको लिया मैंने, इसको मैंने पुश किया, ओके। तो फोर्स का डेफिनेशन एक्चुअली क्या आएगा? पुश और पुल ऑन ऑब्जेक्ट। फोर्स का डेफिनेशन क्या बन जाएगा? पुश और पुल ऑन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं पुश और पुल किया तो जनरल डेफिनेशन, एकदम सिंपल डेफिनेशन, इसमें कुछ ज्यादा ये नहीं। तो पुश और पुल ऑन द ऑब्जेक्ट। अभी कॉन्टेक्ट में कैसे कैसे करेंगे देखो। अभी एक सपोज एक बॉडी है, उसको मैंने पुश कर दिया, किसी बॉडी को पुल कर दिया, किसी बॉडी को प्रेस कर दिया, मतलब देयर इज अ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू, ओके। तो मैकेनिकल, हम्म,
ये एक बन गया। दूसरा आता है स्प्रिंग फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक स्प्रिंग लिया एंड आई हैव कनेक्टेड दैट स्प्रिंग टू द मास एंड नाउ आई हैव पुल्ड दैट मास विद अ फोर्स, तो वो क्या हो जाएगा, बाद में स्प्रिंग में एनर्जी रहेगा और स्प्रिंग विल अगेन मेक द बॉडी टू कम टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, तो उसको बोलेंगे स्प्रिंग फोर्स। और एक फोर्स है जो आप देखते हो, हाँ, उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फ्रिक्शन के ऊपर एक एक आपको पूरा टॉपिक है, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, मैकेनिकल फोर्स हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, देर आर सो मेनी फोर्सेस। ओके ओके, वी विल नॉट गो मच डीप इन दैट, जस्ट आपको समझने के लिए कॉन्टैक्ट क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट क्या है, मैंने उनको लिख दिया, बाकी कुछ नहीं। नॉन कॉन्टैक्ट में क्या क्या आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन में तो कॉन्टैक्ट नहीं है, ग्रेविटेशनल। दूसरा आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तीसरा आएगा मैग्नेटिक, मैग्नेटिक में भी कॉन्टैक्ट नहीं है। चौथा आएगा आपका न्यूक्लियर। तो ये बन गए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, समझ गए। सो आई विल सजेस्ट यू टू नोट डाउन दिस। ओके, हो गया बेटा, ठीक है, अभी हम आगे जाते हैं। ओके, सपोज आपको याद रखना चाहिए, सपोज इस बॉडी को मैंने फोर्स दिया, इस बॉडी को ऐसे फोर्स दिया, तो क्या होता है बॉडी में, एक तो फोर्स की वजह से, बिकॉज ऑफ फोर्स बॉडी मे गेट डिस्प्लेस्ड। ओके ओके, व्हेन द फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, व्हेन फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी क्या हो जाएगा बेटा, बॉडी मे गेट डिस्प्लेस्ड। मैं क्यों बोला, अगर मैं ट्रक को पुश करना चाहता हूं क्या वो मुंह जाएगा, लेकिन मैं अगर छोटा बाइक है बाइक को पुश करूंगा हो जाएगा, उसमें वर्क वगैरह का फंडा होता है, एनर्जी वगैरह का फंडा होता है। ओके, व्हेन फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, बॉडी मे गेट्स डिस्प्लेस्ड। अभी क्या होता है, इस बॉडी को मैंने डिस्प्लेस करने के लिए मैंने फोर्स दिया, तो सपोज मोस्ट ऑफ द टाइम बॉडी मे गेट डिस्प्लेस्ड इन दिस वे, बराबर। इफ आई विल इंक्रीज द फोर्स, इंक्रीज द फोर्स, डिस्प्लेसमेंट मे ऑल्सो गेट इंक्रीज्ड। ओके, तो उसके ऊपर ज्यादा मतलब वी विल नॉट डिस्कस मच मोर अबाउट दैट। तो अभी थोड़ा सा कॉम्पोनेंट्स ऑफ फोर्स इसको पढ़ते हैं, ये आपके लिए पूरा नया पॉइंट है, यू वुड हैव नेवर सीन दिस बिफोर इन योर 9th, 10th, 8th। ओके, ये क्या है कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स, तो एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो किसी भी वेक्टर को अगर आपको दिखाना है स्पेस में, स्पेस मतलब कोऑर्डिनेट्स में, तो अगर आपने ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम निकाला, ये अभी के लिए आपको फोर्स के लिए बता रहा हूँ, बाद में ये आपको वेक्टर के लिए भी यूजफुल होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी यूजफुल, मच यूजफुल फॉर यू पीपल इन द टॉपिक ऑफ वेक्टर। ओके, तो सपोज
ये एक पॉइंट है, ओके। तो फोर्स इज अ वेक्टर, तो क्या करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स लिख देते हैं। ये एक पॉइंट है, इसको मैंने सपोज लिख दिया पॉइंट ए। क्या लिख दिया? पॉइंट ए। इसको बोलता हूँ मैं वाई एक्सिस, इसको बोलता हूँ मैं एक्स एक्सिस, और ये मेरा बन गया ओरिजिन, बराबर। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएगा बेटा? तो ए का बन जाएगा कोऑर्डिनेट ये एक्स कोऑर्डिनेट, बराबर, और ये बन जाएगा वाई कोऑर्डिनेट। थोड़ा सा इसको ठीक से बनाते हैं, ये बन जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट और ये बन जाएगा वाई कोऑर्डिनेट, है ना? ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं एक्स वाई। ऑफ कोर्स ये 2D है, 2D एस्पेक्ट और 2D, टू डायमेंशनल, ठीक है, उसको नहीं लिखते। तो अभी क्या बन गया? तो जो मैंने वेक्टर बोला था आपको, वेक्टर में पहला आता है, वो आता है पोजीशन वेक्टर। क्या आता है? पोजीशन वेक्टर। ये क्या करता है? इट गिव्स द पोजीशन ऑफ गिवन पॉइंट इन स्पेस। मतलब एक्स और वाई का यहां पे मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं इसको, इट इज कॉल्ड एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ए का ये कोऑर्डिनेट्स है, एक्स कोऑर्डिनेट इज एक्स, वाई इज वाई, अभी मैंने उसको वही लिया। तो ए बी लिखता हूं मैं, तो ए बी लिखता हूं इसको, ए और बी। मतलब क्या है? ये जो डिस्टेंस है एक पॉइंट का फ्रॉम ओरिजिन, ये ए है, और ये डिस्टेंस है ए का फ्रॉम ओरिजिन अपर साइड बी है। अगर 3D लिया तो ए बी सी तीसरा भी आता है, समझ गए? तो अगर मैंने ओरिजिन और ए को जोड़ दिया, इफ आई विल कनेक्ट ओरिजिन एंड ए, को कनेक्ट किया ओरिजिन और ए को मैंने अगर कनेक्ट किया, तो मेरे को एक वेक्टर मिल जाएगा ना बेटा, ऐसा डायरेक्शन वाला, जो कहाँ से चालू किया है, जो ओरिजिन से चालू किया है। एक मिनट, ये इसको मैं ठीक कर देता हूँ, ओके। जिसने ओरिजिन से चालू किया है और ए तक चला गया है, ओके। तो यहाँ पे वेक्टर ओ ए, इसको क्या बोलेंगे हम? वेक्टर ओ ए। तो वो क्या बन जाएगा? वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम, कहां से कहां ड्रॉन किया? ओरिजिन टू पोजिशन ऑफ ए, बराबर। तो वो क्या बन गया? तो वो मेरा बन गया जो मैंने यहां पे आपको दिखाया है, है ना, जो मैंने आपको यहां पे दिखाया है वो मेरा बन गया पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, पोजिशन वेक्टर ऑफ ए बन गया। तो लिखेंगे कैसे? वेक्टर ओ ए। तो यहां पे पहले देख लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए, कैसे लिखते हैं? मॉड वेक्टर ओ ए। तो मैग्नीट्यूड मतलब क्या है? इसका लंबाई कितना है, कितना ये है, इसका लेंथ कितना है वेक्टर का, वो बन जाएगा मैग्नीट्यूड। एंड डायरेक्शन ऑफ ओए, डायरेक्शन ऑफ ओए यहां पे क्या बन जाएगा? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ओए गिवन बाय द वेक्टर शोन। तो डायरेक्शन बोलने के लिए ये वेक्टर क्या? तो अभी आपको यहां पे, अभी तक मैंने फोर्स पे आया ही नहीं है, तो इससे पहले हम बेसिक्स ऑफ
वेक्टर, यही पढ़ रहे हैं, बेसिक्स ऑफ वेक्टर। बाद में हम फोर्स पे आएंगे, आज अपना लेक्चर पूरा जाने वाला है इसके ऊपर, मेरे को मालूम है। तो ये मैग्नीट्यूड बन गया, ये डायरेक्शन बन गया। तो यहां पे अगर मैंने इसको थीटा बोला तो थीटा क्या हो जाएगा बेटा, थीटा विल बी एंगल मेड बाय ओ ए, वेक्टर ओ ए विथ एक्स एक्सिस। बराबर, बराबर या गलत? बराबर ना, थीटा इज द एंगल मेड बाय वेक्टर ओ ए विथ एक्स एक्सिस। तो अभी यहां पे अगर मैंने ट्रायंगल लगा दिया, ऐसा ट्रायंगल कर दिया, ये थीटा है, इसको मैं बोला ए बी सी, तो इसके ऊपर ये बन जाएगा हाइपोटेनस, ये बन जाएगा एडजेसेंट, ये बन जाएगा अपोजिट साइड, तो इसको बोलेंगे हम हाइपोटेनस, ये अपोजिट और ये एडजेसेंट। सॉरी, तो यहां पे रेशो कैसे निकालेंगे? तो रेशो आएंगे आपके, वेरी इंपॉर्टेंट है यहां पे, साइन थीटा क्या आएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट और अपोजिट, वो आपको देखना पड़ेगा। ओके, तो मैं क्या करता हूं अभी, ये जो थीटा वगैरह का है, ये आपको एक होमवर्क, ये सब मैंने अगर आपको पूरा दे दिया तो आप क्या करोगे, तो मेरे को चाहिए यहां पे होमवर्क चाहिए, साइन थीटा कॉस थीटा अगर आपको हो गया है, नहीं तो हम पढ़ाएंगे आपको, टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा, और इम्पॉर्टेंट अपन को क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपन को चाहिए साइन कॉस टैन। ओके ओके, तो साइन थीटा बन जाएगा आपका अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, और टैन थीटा बन जाएगा जो आपने परसों पूछा था, स्लोप इज इक्वल टू टैन थीटा, वो ऐसे धीरे धीरे आते जाएगा, तो वहां पे क्या बन जाएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। बराबर, ये तीन आपको पता करना है, अभी मैंने बता भी दिया है तो आपको लिखना है। बराबर, तो ये आपका होमवर्क है। तो यहां पे भी क्या होगा, अगर हाइपोटेनस को मैंने ओ ए लिखा, हाइपोटेनस को अगर मैंने ओ ए लिखा तो ये बन जाएगा ओ ए कॉस थीटा और ये बन जाएगा ओ ए साइन थीटा। बराबर, ये बन जाएगा ओ ए साइन थीटा और ये बन जाएगा ओ ए कॉस थीटा। बराबर, ये मतलब ये और ये, समझ गए? सो आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन। हो गया बेटा? ठीक है, तो अभी जाते हैं इस फोर्स के कंपोनेंट बताने के लिए। बराबर, तो ये जो फोर्स है इसके कंपोनेंट कैसे लिख सकते हैं? सपोज एक बॉडी है, उसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा है एफ, तो मैं क्या करूंगा, जिस पॉइंट को फोर्स लगाया है उस पॉइंट को बोलता हूं मैं ओरिजिन, और एक एक्सिस चूज करता हूं। अरे बाप रे, ये तो ठीक नहीं आ गया, इसको मैं एक एक्सिस चूज कर देते हैं, है ना बेटा? ठीक है, ये ठीक बन गया, वैसे ही बन गया, ठीक है। सपोज ये x बन गया, ये मेरा y बन गया, तो यहां पे लिख देता हूं ऐसा है x एंड y। तो सपोज ये एंगल फोर्स ने किया है, तो इसको लेके यहां से जोड़ने का, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का x एक्सिस पे, और y एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ करने का। आज इतना ही सीखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं सीखेंगे, परपेंडिकुलर y एक्सिस पे भी ड्रॉ करने का।
तो ये बन जाता है, इसको बोलते हैं x कॉम्पोनेंट ऑफ f, इसको बोलेंगे y कॉम्पोनेंट ऑफ f, इसको बोलेंगे y कॉम्पोनेंट ऑफ f. क्या बोलते हैं? x कॉम्पोनेंट ऑफ f, y कॉम्पोनेंट ऑफ f. तो ये क्या है बता देते हैं. अभी तक आपने पढ़ा है, मैंने ऐसे पुश किया, ऐसे पुल किया, ऐसे पूरा ऊपर पुश किया, नीचे पुश किया, नीचे से पुल किया. ये जो हम बोलते थे दैट वॉज परपेंडिकुलर फोर्स. और ये जो दिखाया है यहां पे भी ये परपेंडिकुलर फोर्स है. और समझो अभी, सपोज इफ आई विल टेक द फोर्स लाइक दिस, तो वी आई एम पी अगर ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स और वाई, तो इसमें इफ आई हैव गिवन द फोर्स लाइक दिस, तो सपोज इसको बोलता हूं मैं एक्स माइनस एक्स, इसको बोलता हूं मैं वाई माइनस वाई. ओके, सो सम पार्ट ऑफ फोर्स, इसको रिजॉल्व करते हैं अभी, ये इसको रिजॉल्व किया, इसको बोलते हैं रिजॉल्विंग फोर्स इनटू कंपोनेंट्स. तो इसका एक कंपोनेंट यहां पे आएगा और एक कंपोनेंट ऊपर आएगा, मतलब पूरा फोर्स उतना ही रहेगा लेकिन इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा. तो अगर ये थीटा है तो ये एफ है अगर, तो एफ कॉस थीटा विल बी द एक्स कॉम्पोनेंट इस केस में, जो मैंने यहां सिखाया वही, और एफ साइन थीटा विल बी द वाई कॉम्पोनेंट इन दिस. तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है, मीनिंग इज दैट के इस केस में फोर्स अप्लाइड इन एक्स डायरेक्शन कितना आएगा? आएगा आपका एफ कॉस थीटा, और फोर्स अप्लाइड इन वाई डायरेक्शन आएगा आपका एफ साइन थीटा. तो एफ कॉस थीटा क्या करेगा? हाँ, प्रैक्टिकली यहां पे एफ कॉस थीटा एक काम करेगा, एफ कॉस थीटा विल ट्राई टू मूव द बॉडी टुवर्ड्स एक्स, बराबर. तो ये भी लिखते हैं हम, वेट फॉर अ व्हाइल, एफ कॉस थीटा विल ट्राई टू मूव द बॉडी टुवर्ड्स एक्स, ट्राई टू डिस्प्लेस द बॉडी टुवर्ड्स एक्स. सो एफ कॉस थीटा विल ट्राई टू डिस्प्लेस द बॉडी टुवर्ड्स एक्स डिरेक्शन, बराबर. और कंपोनेंट, कंपोनेंट एफ साइन थीटा विल ट्राई टू डिस्प्लेस द बॉडी टुवर्ड्स वाई, इट विल ट्राई टू डिस्प्लेस द बॉडी टुवर्ड्स वाई डिरेक्शन. तो ऐसे होता है. तो जो मैंने आपको प्रेशर में नॉर्मल फोर्स बोला था वो परपेंडिकुलर, मतलब अगर मैंने एक्स लिया, एक्स एक्स एक्सिस लिया, तो एफ साइन थीटा बन जाएगा नॉर्मल, नॉर्मल कंपोनेंट, करेक्ट. तो यहां पे अगर मैंने ऐसे कर दिया
ये थीटा लिया, बराबर, तो इसके लिए ये बन जाएगा पैरेलल कंपोनेंट, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, बराबर, ओके। और अगर यही मैं इसके लिए देख रहा हूँ, इसके लिए ऐसा और ऐसा, तो ये फॉर एक्स, एक्स एंड वाई, एक्स के लिए ये पैरेलल हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और वाई के लिए उल्टा हो जाएगा, वाई के लिए ये पैरेलल हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा, बिकॉज ये पैरेलल टू वाई आएगा, ऐसे आएगा, और ये परपेंडिकुलर टू वाई आएगा, तो वाई के लिए ये पैरेलल, ये परपेंडिकुलर, समझ गया। एक्स के लिए उल्टा है, एक्स के लिए ये पैरेलल आएगा, ऊपर वाला परपेंडिकुलर आएगा, तो ऊपर वाला उसको परपेंडिकुलर मिलेगा, तो दिस आर कॉल्ड एज सेम आर कॉल्ड एज पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फोर्स। तो बेटा आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन। सो बेटा इन दिस वे टुडे वी हैव सीन हाउ वी आर गेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स। तो एक्चुअली व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स? द इंपॉर्टेंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स इज दैट जब कभी आप प्रेशर पढ़ते हो, वर्क पढ़ते हो, सो इन ऑर्डर टू स्टडी वर्क एंड प्रेशर द कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड whether force and displacement are in the same direction or whether they are in the opposite direction or force is somewhere tilted, means having some angle and it is having two components. So one component will be having displacement in that direction, other will be perpendicular, like that. Like this many things, if we want to study, then it is very much important to study these all components. तो इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम नहीं बनाने वाला हूँ। प्रॉब्लम जो है वो पहले मैंने आपको दिए हैं आज के। तो आज आप क्या करो, जो मैंने आपको ये दिया है इसका ठीक से पढ़ाई करो, आपके जो डाउट्स है डाउट्स को नोट डाउन करो, कॉन्टैक्ट विथ मी, नो प्रॉब्लम, सेंड मी ऑन व्हाट्सएप instead of calling me, okay, of course no problem for calling, but most of the times I am busy in recording because मेरे को 12th का भी पढ़ाना पड़ता है, तो 12th के लिए भी अपना ऑनलाइन सेशन चलता है, उनका टाइमिंग भी ज़्यादा है क्योंकि अभी उनका एक 8-9 महीने के बाद उनका प्रैक्टिस शुरू हो जाएगा, तो उनका सिलेबस कंप्लीट करना वो भी काम है। तो आप यू कैन सेंड मी द फोटोग्राफ्स जस्ट लाइक यू आर सेंडिंग ऑफ यूर क्वेरी और यू मे टाइप दैट क्वेरी, आई विल गिव यू द आंसर। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, आज का लेक्चर है, आपको दो तीन बार देखना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में रोक रोक के आपको देखना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो वंस अगेन टुमारो वी विल मीट विद द नेक्स्ट पॉइंट और कंटिन्यू दिस। टिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून विद फिजिक्स। थैंक्स अ लॉट, हैप्पी रनिंग, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।